हाय एवरीवन, आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो लेके आया हूँ मैं, वो है शाओमी का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर 1S। 1S इसलिए क्योंकि इसके पहले का जो वर्जन था उसमें 1S लिख के नहीं आता था, तो थोड़े से इसमें चेंजेस हैं इसके पुराने वर्जन से इसमें, तो इसलिए इसका नाम 1S रखा गया है। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ऐसा कुछ पैकेजिंग आती है इसकी, ये छोटी पैकेजिंग है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है शाओमी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर 1S। लगता है इससे मोबाइल फ़ोन इसके अंदर आया हो, और नहीं मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो इसके साथ आता है वो है एक यूज़र मैनुअल, वो तो है ही, जो कंप्रेसर है वो, और एक इसका प्रेस्टा वॉल्व अडैप्टर, नीडल वॉल्व अडैप्टर, एक चार्जिंग केबल छोटी ही थी है। इसका स्टोरेज पाउच बहुत ही अच्छा है। MRP इसका 4499 यानी 4500 रुपये लिखा है, पर ये अभी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। मैंने इसको अमेजन रिपब्लिक डे सेल पे ख़रीदा है, तो ये मेरे को मिला 2700 का। और भी कुछ डिस्काउंट वाउचर अगर आपके पास SBI का कार्ड वगैरह है तो लग सकता है, और ये थोड़ा ऑफर भी मिल सकता है। बाकी MI की वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। इसकी जो बैटरी है जो कि इसके अंदर लगी है वो है 2000 mAh की, कलर ब्लैक ही है, और सिर्फ ये ब्लैक में ही आता है, इसका कोई और वेरिएशन है नहीं। मतलब हाँ, बस लीक दिए हैं ब्लैक, कोई इसमें था नहीं। रॉकेट साइंस, हाँ चाइना का बना है, अडॉप्ट मानना पड़ेगा। नाम देखो शाओमी है तो चाइना का ही बना है, पर जिसको फ़र्क पड़ता है वो नहीं लेता, फिर कोई बात नहीं। तो ये बॉक्स है, टोटल ये है। तो इसमें जो चेंज हुआ है, इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, पहले वाला जो आता था ये USB-C टाइप है। पुराना वाला जो आता था उसमें USB-B पोर्ट था, पर अब वो थोड़ा ऑब्सलीट हो गया है, लोगों को चार्जर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, इसलिए कर दिया है। थोड़े से अंदर मॉडिफिकेशन किए बस, तो और इसको खोल के देखते हैं। तो वैसे मैं पहले इसको खोल चुका हूँ, क्योंकि निकालना तो मेरे को, खोलते समय ये फट गया, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई पैकेजिंग। और इसके अंदर वैसे अभी कुछ नहीं क्योंकि निकाल लिया है, जो कि इसके अंदर जो भी था बस इसके अंदर बचा है वो ये है। ये इसकी एक मैनुअल, हमारे किसी काम की नहीं, बेकार एकदम, मतलब पढ़ भी सकते हैं, मैंने पढ़ लिया है इसको, इसमें कोई इतना खास दिया नहीं आप लोग के लिए, इतना मैंने कर दिया है। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है इसका मेन आइटम, गैस, ये रहा यहाँ पे। तो ये है इसका मेन प्रोडक्ट, ये है USB-C पोर्ट जहाँ पे चार्जिंग लगती है, यही है इसका जो डिफरेंशिएट हुआ। खुला इसलिए क्योंकि मैं चार्ज कर रहा था, क्योंकि मैं ट्राई किया चार्ज करने का, तो चार्ज होता है, जब चार्ज होता है तो लाइट है यहाँ पे ब्लिंक करती है। ये मटेरियल, ये प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है इसका, ये भी बढ़िया है। वो जो MI की TV जिनके पास होगी, सेम ये रिमोट जैसा काम करता है। ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, बेटर। एक ये लाइट है, और यहाँ पे ये जो है हमारी LED लाइट है, रात को ऐसे दिख नहीं रहा तो सामने दिखा सकते हैं, जला सकते हैं, वैसा कुछ है। तो फोकस ये रहा, तो ये इसके काम आएगा, ठीक। और बस ये यहाँ पे ये डॉट्स है, कोई डिज़ाइन नहीं है, एयर इनटेक के लिए। इसके अंदर 2000 mAh की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, और चाइना में बना है, बैटरी कैपेसिटी लिखी है। ये इसका मॉडल नंबर है, 10 वॉट का चार्जर लगेगा इसमें, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ रेट, इधर 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर, यानी कि 5 × 2 10, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, 10 वॉट हो गया। अब इसका यूसेज के लिए देखें, ये इसका होस है, होस यहाँ से निकलता है, और जैसे ही निकलेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाता है। 4 प्रीसेट मोड दिए हुए हैं, इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो 4 प्रीसेट दिखते हैं। तो 1, ये बाइसिकल के लिए 45 PSI पे ये फिट है। अब PSI की जगह यहाँ पे आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो बार में भी चीज़ें आती हैं, और PSI दोनों में थी। तो 4 प्रीसेट मोड है, पहला तो साइकिल के लिए, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता, आप इसे कम ज़्यादा अपनी बाइसिकल के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये बाइक, आपकी पास जो भी बाइक हो उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कार का है, और चौथा है आपका बॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी खेलते हैं उसके हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है। दूसरा पर आप यहाँ पे ये देखेंगे जब मैं चेंज करता हूँ इसको, और पाँचवा मोड ये मैनुअल वाला है, ये मैनुअल, आप इसको ये प्लस बटन से ऊपर नीचे ये कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप ये मोड सेट कर रहे होंगे, देखेंगे जैसे साइकिल है तो यहाँ पे PSI लिख के आ रहा है, पर हम जैसे ही बाइक पे आते हैं तो यहाँ पे बार लिख के आ रहा है, तो इसमें परेशान नहीं होना कि मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा। एक तरीका है 15 करके कन्वर्जन का, बट हमको उसमें नहीं जाना। अगर आपको PSI में ही होवर नहीं है तो ये जो बटन है इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखिए, इसमें ये थर्ड यूनिट है KPA, ये यहाँ के लिए वैलिड नहीं है, हम नहीं भरेंगे इससे, हम भरेंगे PSI से। तो अगर PSI दिया है तो उसको, और नहीं है तो आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करें और ये बार आ जाएगा, तो बार से हम कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो ये पांचवा हमारा ये सेटअप है। दूसरा ये इंक्रीज की बटन है, अगर हमको बढ़ाना है प्रेशर या कम करना है उसके लिए। ये लाइट की बटन है, यहाँ पे लाइट जल जाएगी, ठीक है, एक बार प्रेस करेंगे तो कंटिन्यूस जलेगी, दोबारा करेंगे तो एमरजेंसी केस यूसेज के लिए यहाँ पे फ्लैश करेगी ये लाइट,
कोई पैटर्न है और 50 बार प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, दैट्स इट। पर हाँ ये है, अब जैसे हम इसको जब भी कभी कहीं से कनेक्ट करेंगे हम, तो ये यहाँ से एयर बाहर जाएगी, ये पंप स्टार्ट होता है, पर ये आवाज़ काफ़ी करता है अब, क्योंकि इसी के अंदर एयर प्रेशर मोटर लगा हुआ है तो आवाज़ बहुत होगी। मैं आपको आवाज़ सुना, तो ये इतनी आवाज़ करता है ये। ये भी थोड़ी ज़्यादा आवाज़ इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये खुला हुआ है, ये जब फिट हो जाता है साइकिल में या मोटरसाइकिल में तो फिर ये आवाज़ कम करता है, पर आवाज़ तो होगी ही होगी। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है, चारों टायर्स आपकी कार के एक फुल चार्ज में भर जाएंगे अच्छे से, उसमें कोई इशू नहीं है, पर आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा दोबारा। लोग कहते हैं बहुत इशू है इसके चार्ज करने में, मुझे कोई इशू नहीं लगता। आपके कार में आप मोबाइल चार्ज करते हैं सेम पोर्टल से चार्ज हो जाएगा, इसको भर वापस से आप रिचार्ज करिए और इसको आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत कंपैटिबल है, 1/2 kg इसका वेट है, इसको अपने पास आप रख सकते हैं, बाइक में भी रख सकते हैं और कभी भी बाइक में, साइकिल में, स्कूटी है तो बेस्ट है। जैसे अगर आपके पास एक्टिवा वगैरह हो तो अगर वो डीफ्लेट हो गई कहीं पर, यानी कि हवा निकल गई, तो फिर उसको भाई हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल है। मुझसे तो नहीं हिलती, आप लोग से शायद हिल जाती होगी, पर क्यों हिलाना, क्योंकि ट्यूबलेस टायर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर ट्यूबलेस टायर तो फिर पंचर भी नहीं बनाना, पर फिर भी हवा भर सकते हैं हम तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसको आप गाड़ी में डाल लीजिए, आप इसे अपने पेरेंट्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं पेरेंट्स डे पे, उनको मतलब फादर्स डे, मदर्स डे कभी भी, जिनके पास जो गाड़ी उनके लिए बहुत कंपैटिबल रहेगा, बस चार्ज किया और गाड़ी में डाल दिया। एक ही प्रॉब्लम है ये, अगर कार में आप इसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर सोचे कि आप इसको चार्ज करते हुए भी यूज़ करें तो ये नहीं होगा, या तो ये चार्ज होगा या तो ये चलेगा, बस यही एक चीज़ है, कंटिन्यूसली ऑपरेशन नहीं करता है। पर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें, बहुत ही हैंडी है। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और आती है, वो है इसका ये पाउच, जो पाउच है इसका, जो बैग इसके साथ आता है, बहुत ही स्टडी मटेरियल है, बहुत ही बढ़िया है, इसको स्टोर कर सकते हैं। हाँ, और अंदर इसके एक छोटी सी पॉकेट भी दी हुई है अलग से, एक चोर पॉकेट है, थोड़ा पैसा वैसा भी रख सकते हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए। साथ में इसके एक निडिल और मिली है, मुझको जो मिला है इसके साथ मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके साथ आता है ये केबल, ये USB-C केबल है, छोटी सी है, कार के लिए काफ़ी है, या आपके घर में फ़ोन वगैरह होंगे उसमें लग जाएगा, कोई अडॉप्टर साथ में नहीं आता है इसके। ये रही हमारी स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल प्लेयर्स इसको, इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जानते होंगे, हमेशा इसका यूज़ पड़ता रहता है। और साथ में एक और ये दिया हुआ है, ये इसको यूज़ करते हैं, कोई कोई साइकिल होती है जिसमें ये पिन डायरेक्ट नहीं लगती, तो इसको हम इसमें फिट करते हैं और फिर ये उसमें लग जाती है, तो फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ये इससे बाहर निकला हुआ है तो ये यहाँ पे ऑन है, जैसे ही इसके अंदर जाएगा ये ऑटोमेटिक शट, बस अब इसके आप कोई बटन दबाइए, कोई बटन नहीं काम करेगी जब तक आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये भी बढ़िया है कि अगर एक्सीडेंट के लिए प्रेस भी हो रहा है कहीं से तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सब था इसके साथ, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। इस प्रोडक्ट की एक और अच्छी चीज़ लगी, ये जो इसकी पॉलीथीन है, आउटर कवरिंग जो इस पर चढ़ी हुई है, इस पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसको वापस करते हैं, बाय बैक प्राइस है इसका 0.00001 INR, अगर ये पॉलीथीन आप निकालते हैं और रिसाइकलिंग के लिए देते हैं कहीं पे, तो आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। और यही प्राइसिंग इधर पे भी लिखी हुई है कि 0.009 INR मिलता है अगर आप इसको रिसेल के लिए, रिसेल मतलब कि रिसाइकल के लिए, सॉरी, कहीं वापस भेज देते हैं। तो यही अच्छी बात है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट का ख्याल रखा गया है, बाकी इसका ये सीरियल नंबर वगैरह ये हमारे किसी काम का नहीं। तो ये था पूरा प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूटिलिटी वाइज बहुत अच्छा है। अगर आपको ये अच्छा लगे, ये मतलब अगर आपको ये लेना हो तो आप जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप अमेज़ॉन से जाके इसको तुरंत परचेज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी यूज़ आ सकता है। दूसरा एक और प्रोडक्ट आते हैं, इससे सस्ते आते हैं, जो उनमें जो है वो डायरेक्ट सीक्रेट लाइटर जो होता है कार्स का, उनसे उन पर प्लग करके लगाना होता है। पर अगर आपके पास कार नहीं है तो या तो आपको एक सीक्रेट लाइटर अपनी बाइक में लगवाना पड़ेगा या बैटरी से कनेक्ट होगा। ऐसे सेटअप आता है आपको गाड़ी खोल के, फिर उसमें बैटरी में वो दोनों प्लग्स पिन लगा के और फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये तो बहुत झाम है, भले ही उससे जल्दी भर जाता है, इससे एक टायर भरने में शायद 14 मिनट्स के आसपास लग जाए पूरा। अगर आपकी गाड़ी सेडान वगैरह है आपके पास कोई भी, अगर उसमें बिल्कुल हवा नहीं तो शायद 14 मिनट्स के आसपास लगेगा, उन सबसे 8-9 मिनट्स लगता है। बट उनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर वो चार्ज करता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट इन दिस रेंज, आप इसे खरीद सकते हैं। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू। रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।